साहिल जी मैम साहब बताइए। ये तू 1 लाख रुपया देख रहा है, ये ना 13 हो सकता है अगर तुम मेरा छोटा सा काम कर दे तो। क्या मैम साहब, ये 1 लाख रुपए मेरे हो सकते हैं? मैं कुछ समझा नहीं, मतलब? अरे साहिल, मैंने आज से पहले तुम्हारे साथ कभी मजाक किया है जो मैं तुमसे अब मजाक करूंगी? मैं तुमसे सच कह रही हूँ, 1 लाख रुपया तुम्हारा हो सकता है अगर तुम मेरा छोटा सा काम कर दोगे तो। लेकिन मैम साहब, ऐसा कौन सा काम है जिसके बदले में आप मुझे ये पूरे 1 लाख रुपए दे सकते हो? वैसे मैम साहब मानना पड़ेगा, आप मजाक ना बहुत अच्छा कर लेते हो। अरे साहिल, मैंने कहा ना तुझसे कि मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे, फिर ये 1 लाख रुपए तेरा हो जाएगा। और हाँ, ये 1 लाख नहीं, मैं तुझे इसके डबल पैसे भी दूंगी, लेकिन तू मेरा काम तो कर पहले। क्या? अरे यार, ये पूरे 1 लाख रुपए और इस समय मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। माँ की भी तबीयत खराब है, उनकी दवाइयाँ लेके आनी है और छोटी बहन की भी स्कूल की फीस भरनी है। ये पैसा ना मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक काम करता हूँ, मैम साहब का हाँ बोल देता हूँ तो देखा जाएगा। हाँ हाँ मैम साहब, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, आप काम बताइए मुझे करना क्या होगा। साहिल, तू ना एक बार अच्छे से सोच ले कि तू ये काम कर सकता है या फिर नहीं। हाँ हाँ मैम साहब, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए तो कि काम करना क्या है। तुम्हें ना मेरे साथ 1 रात बितानी पड़ेगी। क्या मैम साहब, 1 रात? नहीं नहीं मैम साहब, ऐसा घिनौना काम ना मैं आपके साथ कभी नहीं कर सकता। और मैम साहब, ये आप सोच भी कैसे सकते हो कि मैं इतना घिनौना काम आपके साथ करूंगा। मैम साहब, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके हस्बैंड को पता चलेगा तो उनके दिल पे क्या बीतेगी, आप ही बताइए। अरे साहिल, तू क्यों डर रहा है, मैं हूँ तो। और वैसे भी तेरे साहब को जब पता चलेगा ना, जब ये हम दोनों में से कोई बताएगा, ना ही तू बताएगा और ना ही मैं बताऊंगी, तो उनको पता ही नहीं चलेगा। और तू ना टेंशन मत ले, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी, तू बस काम पे फोकस कर। अरे क्या हुआ मैम साहब, अगर साहब नहीं देख रहे हैं तो? ऊपर वाला तो सब देख रहा है ना, और वैसे भी मैं इन चंद पैसों के लिए ना इतना घिनौना काम नहीं कर सकता। पर मैम साहब, शायद आपको नहीं पता है कि मेरा भी परिवार है, और मैं इन चंद पैसों के लिए अपने परिवार को और अपने साहब को धोखा नहीं दे सकता। मैडम मुझे माफ़ कर देना, ये घिनौना काम ना मुझसे नहीं हो सकता। और वैसे भी मैम साहब, साहब है तो आपका ख्याल रखने के लिए। देख साहिल, मैंने तेरे को ना रात बिताने के लिए इसलिए कहा, तुझे तो पता ही है कि इस घर में मैं कितनी अकेली रहती हूँ। तेरे साहब का क्या है, घर में होना ना होना एक बराबर है। और वैसे भी तेरे साहब मुझसे कोई प्यार व्यार तो करते नहीं है, तेरे को पता है मैं घर में कितनी अकेली रहती हूँ। मैं भी तो चाहती हूँ ना कि मेरे साथ भी मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन नहीं, उन्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। इसलिए बस मैंने तेरे को एक रात बिताने के लिए बोला, और मैं तेरे को पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? और साहब को बताएगा भी नहीं कोई। मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने साहब को कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं ये भूल नहीं सकता कि साहब ने मेरी कितनी मदद करी है, और मैम साहब मेरा भी परिवार है, मैं अपने परिवार को भी धोखा नहीं दे सकता। मैम साहब, मैंने आपसे कितने बार बोल दिया घिनौना काम मेरे से नहीं होगा, सॉरी मैम साहब मुझे माफ़ कर देना, पर ये काम मैं कभी नहीं करूँगा। और ये सोच भी नहीं सकता मैं आपके बारे में कि मैं ये काम आपके साथ करूँ। ठीक है, अगर तुम्हें मेरा काम करना नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत करो तुम। और वैसे भी तुम क्या सोच रहे हो, अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगी? ऐसा कभी सोचना भी मत, मैं ना तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, इस घर के अंदर चोरी का इल्जाम लगा के ना तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। और जब पुलिस वाले तुम्हारी हालत बेकार कर देंगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें मेरा कहना मानना चाहिए था या फिर नहीं। और वैसे भी मैं तो तुम्हें पैसे भी दे रही हूँ और डबल भी दे रही हूँ, लेकिन तुम फिर भी राजी नहीं हो, तो ठीक है मैं कर देती हूँ पुलिस को कॉल। तुम्हारी जब तक अकल ठिकाने नहीं आएगी ना, तो मेरे को समझ भी नहीं आएगा कुछ भी। साहिल, तुम सोच लो अब तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। मैम साहब, आपको जो करना है ना वो कर लो मेरे साथ, चाहे जेल के लिए भिजवा दो आप मुझे, पर ये घिनौना काम मैं आपके साथ कभी नहीं कर सकता। मैं अपना साहब को कभी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैम साहब मुझे अच्छे से याद है, जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं इधर दर बदर के ठोकरे खाता था, तो साहब ने मेरे को सहारा दिया, साहब ने मुझे अपने घर पे लाया और सब चीज़ करवाया, साहब ने मेरे को नौकरी दी, खाना दिया, कपड़े दिए, तो ये साहब का एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। और मैम साहब आप सोच कैसे सकते हो इतने भले साहब के साथ मैं ऐसा कर सकता हूँ। और मैम साहब एक बात बताइए आप मुझे, जब साहब आप पे ध्यान नहीं देते तो आप साहब को बोलिए ना मेरे पास क्यों आ रहे हो। और मैम साहब मेरा भी परिवार है, मेरी खुद की बीवी भी है, मैं अपनी बीवी को भी तो धोखा नहीं दे सकता इन चंद पैसों के लिए, तो मैम साहब मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा काम आपके साथ कभी नहीं कर सकता। जसमीत, मैंने तुमसे कहा था ना कि साहिल तुम्हारे बारे में कभी भी गलत नहीं समझ सकता, और तुम खामखायार साहिल के ऊपर शक कर रही थी, समझी? और साहिल देखो कितना लॉयल है हमारे काम को लेके। मतलब साहब, मैं कुछ समझा नहीं, और ये चल क्या रहा है यहाँ पर? अरे साहिल, बात कुछ ऐसी है ना यार, तेरी मालकिन को ये लगता था कि जब हम दोनों ऑफिस चले जाते हैं ना, तो उसके बाद ना तू घर पर अकेला रहता है, कहीं तू हमारे घर में चोरी ना कर लें। हाँ, इसीलिए ना तेरी मालकिन ने तेरा लॉयल्टी टेस्ट लिया। और मैं इसे समझा रहा था कि नहीं, साहिल ना हमारे घर के प्रति ना बहुत लॉयल है, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता और ऐसा कभी वो सोच भी नहीं सकता।
पर ना ये मालकिन ना तेरा ना लॉयल्टी टेस्ट लेना ही चाहती थी, तो देख लेना जसमीत तुम साहिल ना कितना लॉयल है हमारे घर के लिए। और साहिल हो सके तो ना तुम मुझे माफ़ कर दे यार जसमीत की इन हरकत की वजह से। और जसमीत आगे से ना तुम कभी साहिल के ऊपर शक मत करना, क्योंकि साहिल ना हमारे घर के लिए ना बहुत जिम्मेदारी से काम करता है, समझ गई तुम। और साहिल तू ना हमारे घर को लेके बहुत ईमानदार है, और ऐसी ईमानदारी से तू हमेशा हमारे घर के लिए काम करते रही हो। जसमीत पैसे लाओ तुम, ये ले साहिल, ये तेरी ईमानदारी का इनाम है। अरे नहीं नहीं साहब, ये पैसे मैं नहीं रख सकता। अरे साहिल इसको तू अपने पास रख, क्योंकि तूने ना हमारे घर के लिए बहुत ईमानदारी से काम किया और हर एक चीज़ किया है। हमारे ऑफिस जाने के बाद भी तू हमारे घर को ईमानदारी से देखता है, कोई पैसे वगैरह भी चोरी नहीं करता। हम तो पैसे जहाँ मर्जी वहाँ रख देते हैं, उसके बाद भी वो पैसे वहीं रहते हैं। तो ये पैसे ना तू अपने पास रख, ये ले। थैंक यू सो मच सर आपका, और मैम साहब आपका भी। जसमीत और तुम ना कभी भी ऐसे साहिल के ऊपर ना शक मत करना दोबारा, समझ गए। चल साहिल ठीक है ना।